सो फाइनली केएफसी चिकन फ्राई होममेड अपना फ्राई हो चुका है। देख सकते हो आप चिकन के पीसेस अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, होममेड है, कम से कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे एक नए दमदार वीडियो में। तो आज हम बनाएंगे केएफसी चिकन फ्राई होममेड, केएफसी स्टाइल लेकिन होममेड। तो चलिए सबसे पहले चिकन देखिए, बोनलेस विद बोन है, पीसेस ऐसे रखे बड़े बड़े। तो चलिए सबसे पहले डालते हैं उसमें ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चिकन मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, एक चम्मच ग्रीन चिल्ली जिंजर गार्लिक पेस्ट, स्वादानुसार नमक, साथ ही साथ डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। चलिए मैरिनेशन करते हैं। अपना मैरिनेशन तो हो चुका है, अगर आपके पास टाइम है तो पूरी रात भर रखिए, नहीं तो कम से कम 4 से 5 घंटा फ्रिज में रखिए, रूम टेम्परेचर पे, या फ्रिज में रखिए। तो अभी अपने पास तो टाइम नहीं है, अपन तुरंत ही स्टार्ट करेंगे रेसिपी। देखिए कॉर्नफ्लोर लिया है, मैदा लिया हो, उसमें कॉर्नफ्लोर के पीसेज डाले हो जो कॉर्नफ्लोर फ्राई कर दें। डालेंगे हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, सेम प्रोसेस है, स्वादानुसार नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, चिकन मसाला पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला पाउडर। बैटर को अच्छा से मिक्स करके लेना है इस प्रकार से, क्योंकि सारे मसाले उसमें भी आ जाए और उसके सुगंध आ जाए, मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाए। एक बाउल लीजिए, बाउल में 4 अंडे तोड़ के फेंटना है। अंडों को अच्छी तरह से फेंटना है अपने को, पूरे अंडों को मिक्स होना ज़रूरी है। इस प्रकार से फेंट लीजिए अंडों को। अपने अंडे अच्छे से फेंट चुके हैं, उसमें अब अपने को कॉर्नफ्लोर और जो मैदा लिया है उसमें अपने को पीसेस को डीप करना है। अच्छी तरह से देखिए, इस तरह से डीप करके पहले लेना है सबको, अपन एक एक पीस को डीप करके लेंगे, बढ़िया तरह से दबा दबा के डीप करना है आपको, मिक्स करना है बैटर में। देखिए इस प्रकार सारे पीसेस को इस तरह से अपने को डीप करके लेना है उसके अंदर। इस प्रकार के देख सकते हो आप, तो चलिए सारे पीसेस को डिप करके लेते हैं, मिक्स करके लेते हैं, बैटर लगा के लेते हैं बोलने। देखिए फ्राई पैन लिया है, फ्राई पैन में ऑयल डाला है, तो सबसे पहले जो अपन पीसेस को देखिए बैटर में डुबो के रखे थे, सबसे पहले अंडे का बैटर है, 4 अंडे फोड़ के इसमें इस तरह से मिलाना है, फिर इसको वापस से जो कॉर्नफ्लोर का मैटर है,
कॉर्न फ्लोर वाला, इसमें डीप करना है, डालना है, इस तरह से करना है, हल्के से छोड़ना है। इस तरह से सारे चिकन के पीसेस को अपन करके ले लेंगे फटाफट से। देखिए अपना चिकन केएफसी फ्राई हो रहा है, हल्के आंच पे भूनना है, जलाना नहीं, क्योंकि जल जाएगा अंदर चिकन कच्चा रह जाएगा। सबसे बेहतरीन है हल्के आंच पे धीमे धीमे उसको फ्राई करना है। देखिए केएफसी स्टाइल चिकन कैसे फ्राई हो चुका है, हो रहा है, बबल्स आना बंद होएंगे तो समझ लीजिए चिकन अच्छा तरह से अपना भून चुका है, पक चुका है। ये बबल्स जो देख रहे हो स्लोली हो गए, इसका मतलब चिकन अपना बेहतरीन तरीके से अंदर से पक चुका है। देख सकते हो आप पीसेस, देख सकते हो कैसे क्रिस्पी है। चलिए ऐसे ही सब चिकन को पका के लेते हैं और होममेड चिकन केएफसी केएफसी स्टाइल आपको दिखा रहे हैं हम। देख सकते हो दूसरा लॉट भी मैं फ्राई कर रहा हूँ, सेम उसी तरह से अंडे के बैटर में मिक्स करना है, फिर जो राइस कॉर्नफ्लोर वाला अपना जो बैटर है उसमें डिप करके ऑयल में छोड़ना है। सारे चिकन बोनलेस चिकन है, विद बोन है, सारे ऐसे ही करना अपने को। होम स्टाइल केएफसी है अपनी, कम से कम इंग्रेडिएंट्स और कम से कम मसालों के साथ, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार बना के ज़रूर देखिए। इस प्रकार अपना दूसरा बैच भी डाल चुके अपन, चिकन के पीसेस डाले हैं, अच्छी तरह से इनको भी अपने को फ्राई करना है, जलाना नहीं है, ध्यान में रखिए स्लो फ्लेम पे पकाइए। इस प्रकार से बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। सो फाइनली केएफसी चिकन फ्राई होममेड अपना फ्राई हो चुका है, देख सकते हो आप चिकन के पीसेस अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, होममेड है, कम से कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे एक नए दमदार वीडियो में।